हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकली स्टडी 91 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल मशीन्स पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपके ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुका हूँ। ये चौथा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे। अब यहाँ से हमारा चालू होता है कि जो मशीनें हैं, पेपर में एक मशीन ज़रूर आएगी आपकी, ठीक है? तो एक मशीन आएगी तो हम सारी मशीन हम देख लेते हैं धीरे धीरे जो हमारे कोर्स में है, और समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर आज हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ पुली, यानी घिरनियों का निकाय। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि घिरनी क्या होती है। तो देखिए, आपके काफ़ी लोग, आप लोग गांव से भी बिलोंग करते होंगे और आपने देखा होगा जो कुएं होते थे ना, तो कुएं में क्या होता था, नीचे डायरेक्ट तो बाल्टी में हाथ डाल के तो कोई निकालता नहीं था, उसमें एक ऊपर घिरनी लगी होती थी, तो उस घिरनी के ऊपर से रस्सी डाल के वो उसे खींचा करते थे। बस समझ में आ रही है? तो वो हमारी क्या हो गई, घिरनी हो गई। तो अब घिरनी की परिभाषा क्या है, तो घिरनी की परिभाषा देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में घिरनी की परिभाषा आएगी, लेकिन पता होना चाहिए कि पुली क्या है, यानी घिरनी क्या है। तो ए पुली इज ए ग्रूव्ड व्हील मेड ऑफ वुड और मेटल विच इज फ्री टू मूव ऑन एक्सल अबाउट इट्स पैवोट। एक्सल इज फिटेड इन द पुली ब्लॉक, द रोप चेन इज इजीली फिट इन द ग्रूव्ड विच इज कट ऑन द पुली। यानी आपको समझ में आ गया कि जो हमारी पुली है वो क्या है, एक खांचेदार पहिया है जो कि आपका लकड़ी का या किसी धातु का बना हो सकता है, जिसमें हम लोग रस्सी डालते हैं और उसे खींचते हैं। उस पर एक एक्सेल होता है जिसके अबाउट वो टर्न करता है, जैसे कि आपका साइकिल और मोटरसाइकिल के पहिए जो टर्न करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अपने एक्सेल के अबाउट पैवोट उसे बोलते हैं, उस पॉइंट को जिसके अबाउट वो घूमता है, तो उसके अबाउट ये घूम सकता है। और इसमें पुली में, ये तो आपको समझ में आ गया पुली क्या होता है, और जो एक्सेल होता है वो पुली ब्लॉक में लगा होता है, ठीक है? वो पुली ब्लॉक आपका धातु या लकड़ी का बना हो सकता है। अब बात आती है कि पुली के जो न्यूमेरिकल किए जाते हैं, पुली की कुछ क्या कहते हैं उसे, हमें कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, ठीक है? तो हमें याद रखना है इसमें कि जो पुली है वो ये मानी जाती है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब चिकनी है एकदम, उसमें कोई घर्षण नहीं लग रहा है, और जो हम रस्सी यूज़ कर रहे हैं, जो रोप यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई भी वेट नहीं है। यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है, आप देख लीजिए। द पुली इज जनरली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एंड गेटिंग मोर मैकेनिकल एडवांटेज। यानी जो पुली है, तो पुली जो ज़्यादातर यूज, सिंगल पुली जो यूज़ की जाती है वो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करने के लिए किया जाता है। देखो, कुएं के ऊपर खड़े होकर तो कोई खींचेगा नहीं पानी, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर दिया जाता है और हम डायरेक्ट आराम से उसमें से अपना पानी फेच कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर अब पुली आपकी मेनली 2 तरीके की है। एक तो आपकी फिक्स पुली है, मूवेबल पुली। देखिए, फिक्स पुली का मतलब आप ये मत समझिए कि फिक्स पुली मतलब फिक्स हो गई, वो चल नहीं सकती, है ना? तो देखो, पुली अगर चलेगी नहीं तो फिर उसका मतलब ही क्या होगा? तो देखिए, ये आपके ऊपर दृढ़ आधार पर कहीं बंधी रहती है, फिक्स पर। ये एक्सेल है इसका, ठीक है? तो ये आपकी पुली हो गई। तो यहीं पर क्या होगा, इधर रोप लगी होगी, एक रस्सी इधर लगी होगी, और ये रस्सी पूरी घूम के ऐसे ये इधर आ जाएगी, ठीक है? तो आप एक तरफ, तो आप अपना प्रयास लगा देंगे यहाँ से, जो भी एफर्ट आपको लगाना है नीचे की तरफ, और यहाँ से जो भी लोड हमें उठाना है, ये लोड हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए, आपको लोड उठाने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ा, यहीं से आपने फोर्स लगाया और ये लोड उठ गया, ठीक है? तो इसके अबाउट ये क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये हमारी फिक्स पुली है। तो इसमें पुली ब्लॉक ये जो है, ये हमारा क्या है, पुली ब्लॉक। तो ये पुली ब्लॉक फिक्स है, ठीक है? ये जो घिरनी है, इसके अंदर फ्री रोटेट कर रही है, इसके अंदर है ये, ठीक है? इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे ऐसे अंदर इसमें राउंड एंड राउंड घूम रही है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर? अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर एक रस्सी कई सारी पुलियों में से होके जा रही, केवल एक रस्सी, तो टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन सेम होगा। और पुली में से हमेशा जो है टेंशन बाहर की तरफ निकलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पुली से टेंशन जो है हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। ये टेंशन का सिंबल आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, तो टेंशन हमेशा पुली से बाहर की तरफ निकलता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मूवेबल पुली देख लीजिए। तो मूवेबल पुली में कुछ भी नहीं है, तो एक देख लेते हैं मूवेबल पुली कैसे हमारी होगी। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक
ठीक है, तो जो हमें लोड उठाना है W, वो हमने यहाँ पे लटका दिया है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ जो हमें इफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो यहाँ लगा रहे हैं, इसे नीचे खींचेंगे, तो ये जो है हमारी ये वाली पुली, ये पुली ब्लॉक है इसका, तो ये वाली जो पुली है ये दैट इज मूवेबल पुली। बात समझ में आ गया आपको? ये हमारी कौन सी है? मूवेबल पुली है, और यहाँ से ये लोड हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो एक चीज आपको देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें आप कि देखो रस्सी एक ही है हमारी, रस्सी सेम रस्सी यूज हुई है। देखो ये वाली रस्सी यहाँ से मैंने बांधी और ये रस्सी ऐसे ऐसे जा रही है और यही पूरे में लपट गई। इसका मतलब सारी तरफ टेंशन सेम होगा, पुली में से हमेशा टेंशन निकलता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए हमारे हाथ हैं, तो हाथ हाथ पुली की तरफ बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों हाथ इसके बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों में हमारा टेंशन होगा, तो पुली से टेंशन निकलता है। देखो ये पुली, इसमें से टेंशन निकला, ये पुली, इसमें से टेंशन निकला, और इधर भी हमारा टेंशन, ये इधर निकला और इधर निकला, तो टेंशन सब जगह सेम होगा, ठीक है, टेंशन इज सेम थ्रू आउट। बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, गिरनियों का अरेंजमेंट करते हैं। इसमें कई सारी गिरनियाँ लगाते हैं, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर आप हम बात करेंगे, तो यहाँ देखो दो गिरनी लगी हैं, तो यहाँ जब हम इस फोर्स इफर्ट को नीचे मूव करेंगे, सपोज दैट ये 2x इफर्ट हमने इसमें नीचे तक ले गए, तो ये जो है ना हमारा, ये केवल x ऊपर उठेगा। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ आप समझिए कि यहाँ से जब मैंने 2 मीटर इसे नीचे खींच दिया, तो इसका 2 मीटर यहाँ, 1 1 मीटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये केवल 1 मीटर की तरफ ऊपर उठ पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ पुली, तो देखिए सिस्टम ऑफ पुली में आप देखिए कि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमें बहुत ज़्यादा लोड उठाना होता है तो उसके लिए हम कई गिरनियाँ लगाते हैं, और इसी को हम लोग गिरनियों का निकाय कह देते हैं। जैसे हम लोग फोर्स का सिस्टम होता था ना, कई सारे फोर्स लगा देते थे तो सिस्टम ऑफ फोर्स बन जाता था, इसी तरीके से कई सारी पुली लगा देंगे तो सिस्टम ऑफ पुली बन जाएगा। तब आप इसमें आगे देख पा रहे हैं कि गिरनियों का प्रथम निकाय, जिसमें 3 तरीके के मुख्य निकाय हैं, प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय। तो द्वितीय वाला सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट स्किप कर दें, ये फर्स्ट भी पूछा गया है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए हमें। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस सिस्टम निकाय में ये कैसे वर्क करता है, देखते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो निकाय है ना, इस निकाय में हमारे 2 या 2 से अधिक चल घिरनियाँ होती हैं, और केवल एक अचल घिरनी होती है। और जितनी चल घिरनियाँ होती हैं, उतनी ही हमारी क्या होती हैं भैया, उतनी ही हमारी डोरियाँ होती हैं, ठीक है। आप इसे बिल्कुल सर्कुलर बनाइएगा, मैं आपके सामने इसलिए बना रहा, मैं पहले से बना के भी रख सकता था, लेकिन पेपर में आपको बनाना, तो कैसे बनाना ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा हमारा कि प्रत्येक घिरनी का, ये देखिए रस्सी ऐसे होती हुई आई है, और यहाँ से ऊपर दरनादार से जोड़ दी हमने, ठीक है। अब नीचे क्या होगा कि इसका जो सेंटर है ना, तो इस सेंटर से अब नीचे जाएंगे, यहाँ लगाएंगे दूसरी पुली, ये इससे सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। मिनिमम 2 लगानी पड़ेंगी, अब 2 के आगे हम 3 भी लगा लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां से ये रस्सी ऐसे होती हुई ये ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 चल घिरनियां लगा दी हैं, अब जो लास्ट वाली जो घिरनी है, इसी में जो लोड हमें उठाना है वो यहीं लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? लोड W उठाने वाला यहां लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहां जो है, इधर आपको इफर्ट लगाना है, यहाँ पे इफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं, क्लियर हो रही बात? तो अब देखिए यहाँ पर बात को फिर से देखिए आप कि ये जो है हमारी घिरनी नंबर, यहाँ से हम चल रहे हैं, तो 1 2 3 और ये होगी 4, क्लियर। तो आप यहाँ से
और गिरनी, और पीछे भी लगा सकते थे हम लोग, मिनिमम दो चल गिरनी तो लगानी पड़ेगी। ये वाली अचल गिरनी है, ये सारी मूवेबल पुलीज है, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि पहली गिरनी में क्या करते हैं, पहला दृढ़ आधार से बांधते हैं, फिर उससे होते हुए ऊपर वाली गिरनी के केंद्र से बांधते हैं। इसी तरीके से हम चलते रहते हैं, तो अंतिम जो डोरी हमारी चल रही है, जो लास्ट डोरी है हमारी, ऊपर हमने इसे बाइंड अप किया और इसे ले जाते हुए अचल गिरनी से, यानी हमारी जो फिक्स पुली है इससे ले जाते हुए नीचे की तरफ लटका दिया। इसी पर हमने एफर्ट अप्लाइड किया है, तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए पहली गिरनी है ये हमारी, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी। तो हमने आपको गिरनी के बारे में बताया था कि एक गिरनी में अगर एक रस्सी चल रही है तो उसके लिए सेम हमारा जो है टेंशन लगेगा। तो पहली गिरनी के लिए हम लोग टेंशन को जो है ना वो T1 नाम दे देते हैं। तो देखिए टेंशन हमेशा पुली से निकलेगा, इधर भी ये पुली है तो इससे भी टेंशन निकलेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ ये टेंशन निकलेगा हमारा। तो यहाँ देखिए T1, ये T1, और ये भी T1, और ये भी T1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए दूसरी गिरनी आ गई, तो देखिए रस्सी यहाँ तक टूट चुकी है ना, नेक्स्ट रस्सी हमने लगाई है, यहाँ बांधी है। अब ये फिर रस्सी आके यहाँ पर लग गई, तो ये आप देखिए इसके लिए टेंशन यहाँ और यहाँ ये सेम होगा, यानी दैट इज 2-2 T2, और यहाँ पर भी T2 T2। क्लियर हो गई बात। तीसरी रस्सी देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये रस्सी जो है, ये रस्सी आप देख पा रहे हैं कि रस्सी यहाँ से ये जा रही है ऐसे करके, ये देखिए पूरे मजे लेते हुए यहाँ तक गई है। फिर से देखिए ये रस्सी आई, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आ गई। तो अब इन 1 2 3 इन तीनों लाइनों में, इन तीनों रस्सियों में हमारा टेंशन जो है सेम होगा, जो कि हमारा T3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? T3 के बराबर होगा, यहाँ T4 नहीं लिखेंगे हम लोग, T3, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेम रस्सी हमारी चारों तरफ घूम रही है तो वो टेंशन चेंज नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, आई थिंक डायग्राम आपको समझ में आ चुका है, पूरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं सही तरीके से, ठीक है। तो लोड जो W हमें उठाना है वो हमने यहाँ लगा दिया, उठाया गया भार, उठाया जाने वाला भार जो है यही हमारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं हमारा गिरनियों का क्या है, प्रथम निकाय है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है हमारा, क्या है ये हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वही कहानी जो मैंने आपको बताई है वही सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से देख लीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें बता सकते हैं कि इन द सिस्टम देयर आर ओनली टू मिनिमम टू मूवेबल पुली, ठीक है, एंड ओनली वन फिक्स पुली। तो आप इसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना कोई भारी काम नहीं है, क्लियर है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर मेन चीज जो आ रही है वो आ रही है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की, क्या करना इसकी हमें गणना करनी है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, क्लियर है। तो आप देखिए, तो हमने मान लिया है कि टेंशन इन पुली 1 2 3, देखिए यहाँ पर हमने मान लिया था, देखो पुली 1 में जो टेंशन है वो हमारा T1 है, इधर T2 है, T3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए ये हमने मान लिया यहाँ पर भैया T1, ये T2, और भैया ये T3, क्लियर है। तो हम अब ये भी मानते हुए चल रहे हैं कि जो हमारा पूरा निकाय है वो साम्य अवस्था में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भैया? साम्य अवस्था में है, और वो सारी चीजें मानी जाएंगी, वो सारे अजम्पशंस होंगे आपके कि रस्सी हमारी उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, रस्सी जो है वो हमारी बहुत ही लाइट है, मतलब उस बिल्कुल वेटलेस है, ये माना जाएगा। ये सारी चीजें भी हम मान के चल रहे हैं, पुली ब्लॉक का कोई भी इसमें रोल नहीं है। अब इसमें देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे क्लियर करेंगे। तो आप देखिए पुली वन पुली एक के लिए अगर हम लोग देखें, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, पुली एक के लिए ये आपकी पुली एक है, तो यहाँ पर आपने देखा था नीचे लोड W लटका हुआ था इधर से, तो लोड W किसको उठा रहा है? तो लोड W जो है वो T1 और T1, यानी आप देखिए नीचे है आपका लोड W जो उठाने वाला भार है, और ऊपर है T1, इधर भी T1, तो W जो है दो लोगों को साथ रहा है, W = T1 + T1। देखो आप यहाँ पर खड़े हैं ना, तो यहीं से देखेंगे ना दोनों तरफ, क्लियर हो रही ना बात। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, W = T1 + T1, यानी आपका क्या हो गया भाई, 2T1 हुआ कि नहीं, क्लियर है। इसी तरीके से आप पुली टू के लिए देखिए, फॉर पुली टू, तो पुली टू में क्या हो रहा भैया, देखो पुली टू आपके सामने ये है, तो पुली टू में आप देखो T1 जो है, T1 ये वाला T1 आप देख पा रहे हैं, ये वाला T1 जो है वो किसको साध रहा है, इस वाले T2 को और इस वाले T2 को, क्लियर हो रहा है। तो T1 = T2 + T2, यानी T1 = 2T2, T1 =
टू टी टू, क्लियर हो रही है यहाँ से बात आपको? तो अब आप देखिए कि टी वन की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है, टी वन की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, यहाँ से पूछें यहाँ टी वन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे सर टी वन की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू ओवर में टू। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूँ कि सर टी टू की वैल्यू कितनी निकाल ली सर आपने, तो टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, टी वन अपॉन में टू। टी वन की वैल्यू मैं यहाँ से लगा दूँ अगर इसमें फॉर थर्ड सेकंड पुली के लिए देख ला यहाँ पर टी वन अपॉन टू, तो टी वन की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए डब्ल्यू अपॉन टू, तो यहाँ आप देखिए टी टू की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू अपॉन टू की पावर टू। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर देखिए टी वन अपॉन डब्ल्यू अपॉन टू ये आया, इधर ये आया। अब देखिए फॉर पुली थ्री, फॉर पुली थ्री, अब देखो तीसरी पुली के लिए क्या होगा सर, तीसरी पुली ये रही हमारी ये वाली, तो टी टू जो है वो टी थ्री और टी थ्री को सादा है, और टी थ्री जो है वो इफर्ट पी के बराबर है, इफर्ट को पी से लिखते हैं ना, तो टी थ्री जो है पी के बराबर है और टी टू जो है दो टी थ्री को सादे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि टी थ्री टी टू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दोबारा देख लीजिए टी टू इज इक्वल टू टू टी थ्री। तो यहाँ से मैं टी थ्री की वैल्यू पूछूंगा तो आप कहेंगे सर कि टी टू अपॉन टू, और टी टू की वैल्यू सर अभी पीछे ही तो निकाली है टू की पावर टू इंटू टू, तो यहाँ पर आप देखिए टी थ्री की वैल्यू आपने निकाल ली कि डब्ल्यू अपॉन टू की पावर थ्री। तो आप देखिए यहाँ पर कि एक है तो यहाँ पावर एक है, दो है तो यहाँ पावर दो है, तीन है तो यहाँ पावर तीन है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करूँ कि फॉर एंथ पुली एनथ पुली, तो एनथ पुली के लिए आप कहेंगे कि टी एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू की पावर एन, क्यों भाई कोई दिक्कत है क्या? और लास्ट वाली पुली पर ही तो हम क्या करते हैं प्रयास लगाते हैं, तो यही जो है हमारा किसके बराबर होगा भैया, पी के भी बराबर होगा, ये लास्ट वाला हमारे किसके बराबर होगा पी के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको बात? तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W ओवर P होता है। तो आप देखिए पीछे आपने क्या निकाल लिया था यहाँ पर लास्ट में P इज इक्वल टू W अपॉन टू की पावर N, क्या निकाला आपने P इज इक्वल टू W अपॉन टू की पावर N, यही चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन टू की पावर N। तो आप देखिए कि टू की पावर N उधर चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि P की वैल्यू यहाँ लगा लीजिए जैसा भी आपको उचित लगे, तो P की वैल्यू यहाँ लगा ही दीजिए, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन P की वैल्यू हमने लगा दी, देखो डब्ल्यू अपॉन टू की पावर एन, अरे टू की पावर एन ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एम ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई टू की पावर एन आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो फॉर आइडियल पुली अगर मैं पूछूँ आइडियल पुली के लिए क्या होता है, आइडियल मशीन अगर मैं इसे मान के चलें कि आइडियल मशीन है, तो आइडियल मशीन के लिए आपको पता है कि एम ए जो है वो किसके बराबर होता है वी आर के बराबर होता है, और आपने एम ए कितना निकाल लिया यहाँ पर टू की पावर एन निकाल लिया, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है आपको बात? एम ए इक्वल टू वी आर इक्वल टू टू की पावर एन। लेकिन जो हमने यहाँ पर पुली लगा रखी थी उसमें केवल तीन सिस्टम थे, है ना, यानी बात जो है तीसरी पुली तक ही खत्म हो गई थी, ये तो मैंने बता दिया था कि अगर एनथ पुली हो तो तीसरी तक ही बात खत्म हो गई थी। तो अगर आप यहीं पर बात समझें तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी टू की पावर थ्री, है ना, टू की पावर थ्री आ जाएगी, तो यही आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा और यही आपका वेलोसिटी रेशियो भी हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। लेकिन हमें पेपर में जो करना है वो एनएथ के लिए दिखाना है, ठीक है, टू की पावर एन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एन की बात ध्यान रखनी है, एन जो है यहाँ पर क्या है, तो आप देखिए तीन यहाँ पर आपकी जो घिरनियाँ थी हमारी तीन, एक दो तीन, ये हमारी अचल घिरनियाँ सॉरी चल घिरनियाँ थी तीन, तो जितनी तो एन क्या है यहाँ पर चल घिरनियों की संख्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एन क्या है चल घिरनियों की संख्या। नंबर ऑफ एन क्या है नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टू की पावर एन आपका ये आंसर आ चुका है, यहाँ पर टू की पावर एन यही आपका आंसर है। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो का आपको फार्मूला करके याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली कितना होता है टू की पावर एन, मैंने आपको जो आपको पीडीएफ भेजा था उसमें भी बता दिया था। तो बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही इसे पढ़ते रहिए, आगे मैं दूसरा और भी वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्पांस दीजिएगा आप लोग, रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।